हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ मिश्रा। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विजन केयर एडवाइजर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि सिंगल विजन स्पेक्टिकल लेंसेज में इमेज टिल्टेड क्यों दिखाई देती है। सो लेट्स नो द कॉजेज ऑफ टिल्टेड इमेज इन सिंगल विजन लेंसेज। सिंगल विजन स्पेक्टिकल लेंसेज में इमेज टिल्टेड होने का रीजन यूजली प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता है। जब लेंस स्पेक्टिकल वेयरर के आईज के प्यूपिल के साथ सही से अलाइन नहीं होता तो लाइट जो उसमें से गुजरती है वो अलग तरह से बेंड होती है, जिससे परसीव्ड इमेज का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फिनोमेनन सिंगल विजन लेंसेज में ज्यादा नोटिसेबल होता है, क्योंकि ये पूरा लेंस में सेम ऑप्टिकल पावर रखते हैं, इसलिए कोई भी मिस अलाइनमेंट सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से इमेज टिल्टेड दिखाई देती है। नंबर वन, ऑप्टिकल सेंटर मिसअलाइनमेंट। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर आइडियली स्पेक्टिकल वेयरर के प्यूपिल के साथ अलाइंड होना चाहिए जब वो सीधा देख रहा हो। अगर ऑप्टिकल सेंटर सही पोजीशन में अलाइन नहीं है तो लाइट का रिफ्रैक्शन अलग तरह से होता है, जिससे डिस्टॉर्शन और इमेज टिल्टेड होता है। नंबर टू, फ्रेम मिसअलाइनमेंट। स्पेक्टिकल का इम्प्रॉपर फिटिंग या एडजस्टमेंट भी इमेज टिल्टिंग का रीजन हो सकता है। अगर फ्रेम अनइवन है यानी इम्बैलेंस है तो लाइट अलग अलग एंगल से एंटर होती है, जिससे टिल्टेड इमेज आती है। नंबर थ्री, प्रिज्मेटिक इफेक्ट। जब लाइट लेंस मटेरियल से गुजरती है तो बेंड होती है। सिंगल विजन लेंसेज में लाइट का ये बेंडिंग प्रिज्मेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, खासकर अगर लेंस का एज लेंस के सेंटर के मुकाबले ज्यादा थिक है, जिससे इमेज शिफ्टेड या टिल्टेड दिखाई देती है, खासकर लेंस के एज पे। नंबर फोर, प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ। एक्चुअली हाई प्रिस्क्रिप्शन में प्रिज्मेटिक इफेक्ट ज्यादा नोटिसेबल होता है, खासकर अगर लेंस वेयरर के आईज के साथ प्रॉपरली अलाइन नहीं है। तो फ्रेंड्स, सिंगल विजन लेंस में इमेज टिल्टिंग को मिनिमाइज करने के लिए स्पेक्टिकल का प्रॉपर फिटिंग और प्रॉपर अलाइनमेंट जरूरी है। सो इसमें ऑप्टिकल सेंटर को स्पेक्टिकल वेयरर के प्यूपिल के साथ सही तरह से पोजीशन करना है, यानी कि हम प्रॉपर सेंटर मार्क करेंगे और आईपीडी के अकॉर्डिंगली लेंसेज फिट करवाएंगे। एडिशनली, हाई क्वालिटी लेंसेज और फ्रेम्स यूज करना ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन को कम कर सकता है और विजुअल कम्फर्ट को इम्प्रूव कर सकता है। रेगुलर आई एग्जाम्स एंड एडजस्टमेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन के द्वारा भी इमेज टिल्टिंग के इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है, अगर अलाइनमेंट, पेंटोस्कोपिक टिल्ट और फेशियल रैप से टिल्टिंग इमेज की प्रॉब्लम सही हो जाती है तो लेंसेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर सारे मेजरमेंट सही है देन हमें पावर क्रॉस चेक करने की जरूरत है, और अगर जरूरत पड़ती है कि पावर में कुछ इश्यूज हैं या आईपीडी फिटिंग हाइट और सेंटर में मिसमैच है, जो कि फेशियल रैप, पेंटोस्कोपिक टिल्ट देने के बाद भी सही नहीं हो सकता, तो लेंसेज को चेंज करना पड़ेगा। आई होप दिस शॉर्ट वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज।